अस्सलामुअलैकुम प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सभी और आज मैं बहुत खुश हूं और एक बड़ा शो आप लोगों के लिए वीनस एचडी टीवी चैनल पर लेकर आई हूं और जिसका नाम है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। आई फील वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी गुड क्योंकि जब मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा प्राइड ऑफ पाकिस्तान तो मेरे जहन में पाकिस्तान की टैलेंटेड लोग, डिजर्विंग लोग, कैपेबल लोग मेरे जहन में चलने लगे और वाकई में हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत लोगों ने स्ट्रगल करके अपने मकाम तक पहुँचे हैं, बहुत सिंसेरिटी दिखाई। देखिए लाइफ में बहुत सारे अप डाउन चलते हैं, नशीब और फराज भी आते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जगह पर डटे रहते हैं और कुछ करना होता है और फिर मेरे रब जिसको मुकर्रर करता है कि इसके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे तो फिर वो कुछ खासियत ही होती है उस शख्स में, उस शख्सियत में, वो है प्राइड ऑफ पाकिस्तान, वो है डिज़र्विंग। और मेरे दरमियान आज भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने एक लाइफ में पहली बार अल्लाह पाक ने, कहते ना हम पैदा कहाँ होते हैं जाते कहाँ हैं, तो पैदा तो वो अपने माँ बाप के घर में हुए लेकिन कुछ कहते हैं थोड़ा मुतवस्सत तबका होता है, फैमिली होती है, तो अल्लाह पाक ने कुछ ख़ास बच्चों को कहीं भेजना होता है तो वो गॉड गिफ्टेड अपने खूबसूरत से अच्छे दिल के मालिक थे वो और अपने नाना के पास उन्होंने परवरिश पाई, फिर एजुकेशन हासिल की, बहन भाई अलग जगह थे, कहते ना कुछ लोगों के नसीब कुछ बेहतर ही हो जाता है, और उनमें से बहन भाइयों से निकल के नाना की गोद में आए क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था उनके पास, फिर वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन हासिल की, सक्खर से उनका ख़ास ताल्लुक़ है, बाय बॉन्ड वहाँ के, फिर आगे स्ट्रगल उन्होंने की और फिर वो कराची में, सिंध में आए, यहाँ पर अल्लाह ने उनके फिर नसीब भाग जागे जिसे कहते हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्त जॉब, इंजीनियर है वो एक से कहूँगी अभी वो बताएंगे, मैं उनको थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, और इंजीनियरिंग में उन्होंने एक अच्छी ज़बरदस्त जॉब की और फिर गवर्नमेंट में उनके आगे 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 डेजिग्नेशन बढ़ती रही, रैंक बढ़ता गया, कहते हैं ना कुछ ख़ास, मैंने कहा कुछ काम लेना उनसे और हमारे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देना था, तो फिर यहाँ पर उनको एक ऐसी जॉब मिली। बहुत मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं प्रॉब्लम्स में होते हैं, उनके प्रॉब्लम के लिए वो खड़े हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं, सुबह नहीं देखते, शाम नहीं देखते, धूप नहीं देखते, छाँव नहीं देखते और पहुँचना होता है, और भूख क्या कहते हैं कि बस एक कॉल है सर की जो पहुँचना है, किसी की प्रॉब्लम है पहुँचना है, रोज़ाना आउटडोर वर्किंग करना, एसी का रूम भी है फिर भी जाना है जी, हमने देखना है और क्या चीज़ें देखनी है जो हम लोगों में अक्सर एग्रेसिव हो जाते हैं, अच्छा जी गंदे नाले देखने हैं, ये सेवरेज, अरे भाई हमने सेवरेज देखना है, अरे रोड टूट गया वहाँ जाके खड़ा होना है, अरे भाई बहुत धूप है, नहीं नहीं मैंने तो जाना है, सर कहाँ पर, हेलो मैं तो अभी आउटडोर पर हूँ, अभी मैंने उधर विजिट पे निकला है, आज सर भी आज नहीं आना, अब कल आना, कल नहीं आना, यानी कि मैं कम से कम 2 महीने से उनको वॉच कर रही हूँ, 2 महीने से कोशिश कर रही हूँ कि उनका एक इंटरव्यू ले लूँ, इट्स ओनली टू मी, इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है कौन, एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट रहमतुल्ला शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, अल्लाह का करम, शुक्र, सॉरी मैं आपके बारे में अगर मेरे ख्याल में इंट्रो देती रहती ना बहुत डीपली आपकी बचपन की स्ट्रगल की, तो मेरे ख्याल में फिर यही 40 मिनट्स यहीं पर निकल जाते। हाँ सही, ठीक है, आपने सही बताया, जो कुछ भी बताया मेरे मुतलिक बिल्कुल ठीक बताया। अभी भी यकीन करें सर, बार बार इज मेंशन टू मी कि प्लीज कितने मिनट का होगा, और बार बार फ़ोन को देखना, बिकॉज चाहे तो कोई बात नहीं, इंटरव्यू है बात कर लेते, नो इशू, मुझे कोई तंग ना करे कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा बल्कि मुझे कहा कि जितनी जल्दी आप लेके मुझे फ्री कर दें ताकि मुझे अपने कामों को देखना। ये पैशन दिन ब दिन क्या ग्रेजुअली बढ़ता गया या काम में ऐसा है? बस शुरू से ऐसा है, बर्थ मैंने देखा है, मैंने आपको बल्कि आपने इंट्रोडक्शन जो कराया तो वो मेरे फेवरेट आइडियल पर्सनालिटी जो मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे पाला और जिसकी गोद में मैं चला गया वो बाय बर्थ ब्लाइंड था और उसकी कोई बेटे की औलाद नहीं थी, 2 बेटियां थी, एक मेरी वालदा और एक मेरी खाला जो अभी भी हाल हयात हैं, मेरी वालदा भी हाल हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत दे दोनों को, तो
उनके पैशन ऐसे थे, उनकी स्पिरिट ऐसी थी अपनी ज़िंदगी की, हम वो देखते आ रहे हैं बचपन से कि मेरे नाना ने, मेरे वालदे ने जो स्ट्रगल की है अपने लिए और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, या जिस तरह के उसका एक प्रोफेशन था वो भी एक समझ लें कि फलाही काम था, वो हकीम थे, अल्लाह ने उसको एक शफा दी हुई थी, तो आप यकीन जाने वो बाय बर्थ ब्लाइंड थे, लेकिन उसके पास लोगों का रश इतना होता था जिसमें मैं आपको बचपन से देखता हुआ आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता कि वो क्या उसको अल्लाह ने एक शफा दी थी, हाथ में इतनी शफा दी थी कि वो लोग उसके पास आते थे, और वो ऐसा भी नहीं कि बाबा उनको फोर्स करता है जिनके पास कुछ होता दे के जाए ना दे के जाए, वो कुछ नहीं, बिल्कुल अल्लाह की रजा की खातिर काम करते थे, हाफिज़ कुरान थे, तो वो देखते आए हर साल एक उम्रे पे जाना, फिर रमज़ान के महीने में पूरा मुसल्ला पढ़ाना बाय बर्थ, वो ये सारी चीज़ें हमारी पूरे फैमिली में पहले से थी, और एक कोशिश और जस्तजू की जो आदत हमें बड़ों से मिली हुई है वो अल्लाह ने दी हुई है, उसी का असर मेरे अंदर भी है शायद कि मुझे बैठना नहीं आता अपने सुकून के साथ, जिस ज़िम्मेदारी पे मुझे लगाया जाता है चाहे वो कैसी भी ज़िम्मेदारी हो, मैं कोशिश करता हूँ उसको अपनी लेवल पे अपनी साथियों के साथ मिलके उसको पाए तकमील तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को फ़ायदा मिले, लोग उससे मुस्तफ़ीद हों, लोग को फैसिलिटेट करूँ और लोग हमसे खुश हों। बेशक। अच्छा, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि मैं जब सिंध में आया और मुझे आपकी अपने एजुकेशन जो इंजीनियरिंग से ही रेलेवेंट थी आपकी, क्या था थोड़ा सा मैं चाहती हूँ लोगों को ब्रीफ करें कि लोग जो आप जब पर इंस्पिरेशन लोग होते हैं, तो मैं चाहती हूँ जो लोग देख रहे हैं वो नॉलेज लें कि कोई पर्सन ऐसे ही नहीं आया कि उसको सीट मिल गई और वो काम कर रहे हैं, थोड़े हम चाहेंगे उनसे सुनने। सर आप जरा बताइए। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सक्कर डिस्ट्रिक्ट से, पनवाकल सिटी है जहाँ पे मेरी बर्थ हुई, वहीं पे मैं पढ़ा, प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहाँ से है, वहीं पे ही मैं बड़ा हुआ, मेरी बचपन वहाँ गुजरा है, जवानी आधी मेरी वहीं गुजरी, मैंने प्राइमरी एजुकेशन पनवाकल से ली, फिर मैंने सेकेंडरी में मैं जब आया तो मैं सक्कर डिस्ट्रिक्ट में आ गया डिग्री कॉलेज के लिए मैंने तालीम, फिर उसके बाद मुझे अल्लाह ने जो है ना, मेरे वालदेन का शौक़ था कि मैं बेसिकली डॉक्टर बनूँ, क्योंकि मेरे नाना जो हिकमत करते थे वो चाहते थे कि मेरे बाद ये सारी चीज़ें आप संभालें, लेकिन इतफाकन वो एक साल में मैं मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हो सका, तो फिर मेरा शौक अपना इंजीनियर होने का था, तो आपको तो एक और भी शौक था, भूल गए, स्पोर्ट्स में भी इनको बहुत शौक था। हाँ बिल्कुल, और जिसकी वजह से आपने कहा कि मैं उसको फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि आपके कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, तो फिर मैं एजुकेशन ली, एजुकेशन में आया, एजुकेशन इंजीनियरिंग मेरी नवाबशाह से हुई, ठीक है, और स्पोर्ट्स की जो बात कर रही हैं वो तो देखें हमारी जो जनरेशन है उस वक्त ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, इतना हर किसी के हाथ में नहीं होती थी, और ये बच्चे जो है ना ज़्यादातर घर के बाहर ही अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते रहते थे, मैं भी माशाल्लाह तकरीबन सारी गेमें इसमें क्रिकेट कह लें, बैडमिंटन कह लें, टेबल टेनिस कह लें, वॉलीबॉल कह लें, और जो घर के अंदर गेम्स होती हैं लूडो ये वो सब हम खेलते रहते थे बचपन, अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ इस किस्म की एक्टिविटी हम करते रहते थे, बड़ा शौक होता था मुझे टेबल टेनिस का, लेकिन बाद में मुझे प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, ये स्पाइनल का मुझे मसला हो गया, तो उस पर मुझे मना किया गया कि अब कोई मूवमेंट आप ऐसी नहीं करेंगे जिससे जो होगा, मुझे अबाउट 25 ईयर से ये प्रॉब्लम है, तो मैं अब स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोशिशें करता रहता हूँ लेकिन खुद खेल नहीं सकता, यानी अंदर से कहीं से बच्चा जागता होगा देखते हुए यार ये खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें वैसे तो आपने सब गेम्स खेले लेकिन वैसे फोकस किसके ऊपर ज्यादा? टेबल टेनिस में बड़ा शौक था। रियली? बिल्कुल, टेबल टेनिस बड़ी खेली मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे, मैंने बड़ी टेबल टेनिस खेली। अच्छा, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आपने नहीं छोड़ा? हां, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते तो यू आर अ बेस्ट स्पोर्ट्समैन कह सकते हो? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अब जब जा मिली तो फिर जिम्मेदारियाँ इस तरफ चली गई, तो फिर साइड पे फिर मुझे ये स्पाइनल का प्रॉब्लम हो गया, तो फिर मैंने फिर आपको ऑफ कोर्स ड्रॉप करना पड़ा। कभी कभी उमंग जागती होगी लेकिन बीमारी की वजह से नहीं करते। अच्छा जी, रहमतुल्लाह शेख साहब हमारे दरमियान आप मौजूद हैं और
नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं। ब्रेक से पहले मैं एक सवाल और करना चाहूँगी और आपने फिर वापस आएंगे तो ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप जवाब मुझे दीजिएगा। ऑफकोर्स आपने जॉब आपको मिली, आप एक्टिव हो गए, काम करने लगे और यू आर लकी कि आप दो जोन को एक साथ लेके चल रहे हैं, गुलशन और जमशेद को ऑफकोर्स, और ये एक बड़ा 95% आपके एरिया आपके पास है। मेरे ख्याल में बहुत सारी इसके अंदर मुझे थोड़ा आपने ब्रीफ करने कि इसके अंदर जो आपको जो जोन दोनों मिले इसमें कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ जो आप निभा रहे हैं, आपसे ये सवाल किया है। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान। वेलकम अगेन और प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी, और हमारे दरमियान जो मौजूद है शख्स, जब बात कर रही थी मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया तो इस ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना जैसे अल्फाजों को कम हम कहते हैं तोल दिया और बड़े तहमुल, बड़ा पैशन उनके अंदर, लेकिन जिस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो लोग प्रॉब्लम्स हैं वो सब एग्रेसिव हैं, तो हाउ कैन हैंडल। तो मैं इनसे क्वेश्चन किया था कि कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ इनके कांधों पर हैं बियाफो जो है ईस्ट जोन के। जी सर वेलकम अगेन। अभी असल में जब मुझे जॉब मिली थी 93 में, जी जी, तो मैं उस वक्त 11 ग्रेड में एज अ सब इंजीनियर अपॉइंट हुआ था। तो मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो हुई थी वो पोस्टिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साउथ में एज अ सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो ये जो DMCs की जो फंक्शंस हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, ये मैं अपनी अर्ली एज में, अर्ली सर्विसेज में करता आया हूँ। ठीक है। जैसे मैं सब इंजीनियर था, उसके बाद मुझे ग्रेड 16 में चला गया, फिर 17 में EEE बना, फिर XEN बना, फिर मुझे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट मिली। तो सारी सर्विसेज में ये जितने तजर्बे अभी मेरे सामने आ रहे हैं, तजर्बे नहीं है ये, मैं करता हुआ आया हूँ, ये सारे कर चुका हूँ मैं पहले अपनी 23 से लेकर, हाँ यू 93 से ये सारी चीज़ें मैं करता हुआ आया हूँ। फिर मुझे उसी दौरान मुझे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ये जिम्मेदारियाँ दी गई, जैसे मलीर है, साउथ है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, या ईस्ट में मैं पहले भी रहा हूँ, फिर दोबारा रहा, और इसी तरह से मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में भी मैं डायरेक्टर रहा। तो इस किस्म की रिस्पांसिबिलिटीज असाइनमेंट मुझे मिलती रही हैं, तो यहाँ पे आके मुझे कोई ऐसा नया नहीं लगा कि मुझे जाके कोई एक फेस करना पड़ेगा, नई चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, नई असाइनमेंट मेरे सामने आएंगे। DMC इसका बेसिकली फंक्शन है म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों के लिए। अब लोग जो वो लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि हमें पानी का कोई मसला है तो जाना कहाँ है, अगर कोई सेवरेज का मसला है तो जाना कहाँ है,
अगर कोई लाइट का मसला है तो मुझे जाना कहाँ चाहिए, रोड का मसला है, किसी पार्क में कोई इशू आता है, ग्रीन बेल्ट में है या कुछ इंक्रोचमेंट के इशूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल बाकी पिरामिड्स में होते हैं तो उनको पता नहीं होता, वो रश करते हैं हमेशा डीएमसीज को। ओके। जितनी डीएमसीज हैं इस वक्त कराची में जो है ना, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी डीएमसीज बनी हुई हैं, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट है, जो कराची के आई थिंक 50-60% एरिया पे ज्योग्राफिकली वो बना हुआ है। और जो शुरू होता है मेरे ख्याल में महमूदाबाद की एक कोने से, जहाँ से एनएमसी शुरू होता है, मंजूर कॉलोनी से शुरू होके, जिसमें आपका कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, तारिक रोड, पीसीएचएस सोसाइटी, कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, फिर गुलशन जो, और ये जाके हाईवे तक जाके टूल प्लाजा की से थोड़ा पहले इसकी जुरिस्डिक्शन एंड होती है। तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग यहाँ रहते हैं, जो उनके प्रॉब्लम थे, रोड सेक्टर में चले जाएं, आप पार्क्स हैं उनके, प्लेग्राउंड्स हैं उसके, ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनकी सेवरेज का इशू है, उनका पानी का इशू, वो हमें रश करते हैं, डीएमसी सुरक्षित हैं। अब चूँकि हमारे कुछ ऐसे इशूज़ हैं जैसे पानी है, ठीक है, सेवरेज है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने उनके साथ ऐसी क्लोज कोऑर्डिनेशन रखी हुई है कि हम उनको जो भी कंप्लेन देते हैं वो रिजॉल्व होती है वहाँ से डिपार्टमेंट से। तो मेजर फंक्शन हमारा जो है वो एक रोड सेक्टर है, जो कराची के रोड हैं स्पेशली इंटरनल एरियाज, बड़ी मेन रोडें शाह हैं तो वो केएमसी के पास हैं, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटर है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, और फिर उसके नीचे बड़ी बॉडी है जो वहाँ काम करती है हर डिपार्टमेंट की। इसी तरह से हमारे डीएमसी में भी इसी तरह मेरे अम्ब्रेला के नीचे बहुत बड़ी एम्प्लाई हैं, अफसरान हैं जो काम करते हैं हर डिपार्टमेंट में अलग अलग। स्ट्रीट लाइट का काम है, पूरी लाइटों को चेक करना, फिर और पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशन के इदारे हैं हमारे, मेडिकल की हॉस्पिटल्स हैं हमारी, फिर तजावजात हैं जिस पे आजकल बहुत फोकसिंग है, खासतौर पे हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स भी उस पर बड़ा फोकस्ड हैं कि तजावजात के एडवर्टाइजमेंट तशहर, ये टैक्स का नेटवर्क है उसका है काम, तो बहुत बड़ा एक काम है जो डीएमसी करती है। ओके, अच्छा एक और चीज़ जैसे आपने कहा तो कुछ बड़े दिन आते हैं, उस दिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मजीद बढ़ती है, ईद त्यौहार, मुहर्रम, रबीउल अव्वल, इसमें फिर आप लोगों को ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। ये देखें ना, हर साल इस तरह के ऐसे त्यौहार, ऐसे इवेंट्स होते हैं, और वो ये हमारा एक्सपीरियंस है, और कोई नई चीज़ नहीं होती है कि हमें दोबारा मैनेज करना। तो मानसून है, उसके लिए हमें पहले से तैयारियाँ भी, जैसे कमिंग मानसून है उसकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है कि नालों की सफाई है, इंटरनल नाले हैं जो हमारे, या जो बड़े नाले हैं, या जो जहाँ पे भी चोकिंग पॉइंट्स हैं, किराने के इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करना। और इसके साथ साथ रबीउल अव्वल है, मुहर्रम के दिन आते हैं, यौम अली आता है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके जितने भी हमारी सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए हम जो है ना वो सर ये सब्स्टिट्यूट ऑफ कोर्स मैं एक ऐसे लेजेंड पर्सन का भी इंटरव्यू ले रही हूँ कि ऑफ कोर्स एक स्ट्रगल है, ऑफ कोर्स एक काम है, और उसको बड़े तरीके से डेडिकेशन के साथ वो अपने किरदार को बखूबी निभा रहे हैं। सर ऑफ कोर्स एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तो नहीं है ना कि हर चीज़ को आपको ब्लेम किया जाए और ये पॉइंटेड किया जाए कि ये इनकी वजह से ऐसे नहीं, ऑफ कोर्स इनके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक कि अगर आप हर साल अगर नाले की सफाई करवाते हैं तो हर साल फिर बारिश होती है, और इसका एक और प्रॉब्लम ये कि ये आवाम खुद कचरा डालती है। सर आप तो एक मिनट, आपने तो क्लीन करवा दिया तो अब फिर दोबारा प्रॉब्लम है, तो इसको सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता? माशाल्लाह हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है ना बहुत बड़ा काम कर रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तैयार हैं शायद कुछ अर्थ में, जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े बड़े नाले जो हैं आप देख रही हैं रिहेबिलिटेट हो रहे हैं, तो इन पे काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी इंशाल्लाह रिजॉल्व होगी। जैसे पहले पास्ट ईयर्स में आप देखेंगे कि बड़े इशूज़ आते थे खासतौर पर बरसात के दौरान, तो अब वो कम हो गए हैं, काफ़ी बेहतरी आ गई है, और सिंध गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है इस पर। सिंध गवर्नमेंट बड़े वर्ल्ड बैंक के फंडिंग से भी, उनके कोऑर्डिनेशन से और उनके कोलैबोरेशन से भी बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त। एडीबी में एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने बहुत एक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रखे हैं,
जब वो सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, तो बड़ा एक्शन चल रहा है कराची में, मैं देख रही हूँ जगह जगह जो जहाँ जहाँ अगर रोड टूटे हुए उनको मजीद तोड़ के उसको रिपेयर किया जा रहा है, और सीवरेज का बहुत एक्टिव काम चल रहा है। और ऑफ कोर्स आपका भी कुछ इंस्ट्रक्शन है लोगों को, अपने जो टीम है और वो वर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। हमारे आपके जो है वहाब मुर्तजा वहाब साहब भी बड़े एक्टिव चल रहे हैं, ये कुछ खास सीएम साहब की रिस्ट्रक्शन? बिल्कुल, माशाल्लाह सीएम साहब या ऊपर बड़े साहब जो हैं उनके तरफ से ये डायरेक्टिव भी हैं। हमें तो सीएम साहब की तरफ से डायरेक्टिव आती हैं, या हमारे मिनिस्टर साहब हैं लोकल गवर्नमेंट के, नासिर हुसैन साहब हैं, मुर्तजा वहाब साहब हैं, बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने इलाकों में जाके खासतौर पर इनके हवाले से डेवलपमेंट में बड़ा काम इस वक्त चल रहा है। और उसके साथ मैं अपनी बात करूंगा कि डीएमसी ईस्ट में मैंने अभी पिछले दिनों जब से मैंने चार्ज लिया है तो यूसी वाइज मैंने एक फंड्स को अलोकेट करके हर यूसी में एक रोड सेक्टर में और पार्क्स में प्लेग्राउंड्स में एक डेवलपमेंट का मेरे बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और आपने खुद ही फरमाया कि आपको हम देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, तो यह मेरी समझ लें ये मेरी हैबिट है, या मैं ऑन करता हूँ चीज़ों को कि जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ। मैं मेरे अफसरान माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी अपनी नज़र जो है ना वो एक होती है कि मैं जाके ख़ुद उनको चेक करूँ, वाच करूँ, विज़िट करूँ, ताकि काम बेहतर मैार का हो और अच्छा हो, और जहाँ पर भी कोई ज़रूरत है मज़ीद और काम करने की तो उसको मैं फिर दोबारा से एक्सपीडाइट करा के काम कराऊँ। यूसी लेवल पर हमारे बड़े काम चल रहे हैं, हर यूसी में माशाल्लाह डीएमसी ईस्ट जो है ना वो रोड सेक्टर में, स्ट्रीट लाइट में, अबाउट इस वक्त भी आई थिंक प्लेग्राउंड और पार्क्स को मिला के 20-25 प्लेग्राउंड पार्क्स हैं, जिन पे कुछ पार्क्स में ऐसा था, कुछ प्लेग्राउंड्स में ऐसा था जहाँ पे कब्ज़ा था, इनक्रोच हो चुके थे, जो किसी के कब्ज़े में थे, वो मैंने उनसे रिलीज़ करवाए, छुड़वाए और उनको दोबारा डेवलप करके एक लोगों के लिए, आवाम के लिए खोल के इंशाल्लाह इनाग्रेशन करके उनके हवाले नहीं बल्कि उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ, उनके साथ एक कमेटी बना के, सिटीजन कम्युनिटी बना के उनको ऑन बोर्ड रख के, ताकि वो पार्क फिर मेंटेन रह सकें और चलें। तो वो भी, उन पर भी काम चल रहा है, स्ट्रीट लाइट का भी काम चल रहा है, रोड सेक्टर में भी काम चल रहा है, तजावजात के ख़िलाफ़ भी काम हमारा हो रहा है, और बाकी जो भी एजुकेशन में स्पेशल मैंने वो लिया है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो बड़ी खस्ता हाली का शिकार थे। मैं जब चला गया तो मैंने देखी कि वो बच्चे बेचारे जो प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते वो आते हैं वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन उनको जब मैंने बिल्डिंग्स का हाल देखा, वहाँ पर स्कूल की फर्नीचर का हाल देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसको मैंने रीअपडेट करके दोबारा स्कूल बनाना शुरू कर दिए हैं। दो स्कूल मेरे तैयार हो गए, तीसरे चौथे पे भी काम चल रहा है। तो इस तरह जितने स्कूल्स हैं उसको रिपेयर करा के दोबारा से इनको फर्नीचर नया देके, अगर एजुकेशन साइड पे टीचिंग स्टाफ कम है तो वो उसके लिए भी हम कर रहे हैं। सर ये देखे, मैं हैरान हो रही हूँ कि इतने कहाँ वो सीवरेज का काम, फिर पार्क का काम, फिर स्कूलों को देखना, यानी कि ये बड़ी बात है कि ये इनके प्रेमिसेस में जो भी एरिया आ रहा है उसमें तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम एक ज़रा पता है आवाम है वो फेस करते हैं, तो ये सर खुद वहाँ पर जाके ये चाह सकते थे कि फाइल मंगवा दो, अच्छा मुझे बता दो, वीडियो भी देख सकता है बंदा, लेकिन फिर खुद पर्सनली जाना और वहाँ पर जाके हर चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, क्या मसले चल रहे हैं। और अभी आपने जब कहा तजावजात की बात की, तो ये एक ऐसा है कि लोग एग्रेसिव भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने, अब वो ये नहीं सोचते कि हमने इतने साल इस जगह पर कब्जा करके बैठे, वो ये कहते हैं हमारा घर तोड़ दिया, हमारी दुकान, हमारा बिजनेस तबाह कर दिया। तो ऐसे लोगों को ऑफकोर्स बहुत लोग जो एग्रेसिव होते अपनी चले खुद ना गए, आपने अपनी टीम को भेजे, तो फील होता होगा यार अल्लाह खैर करे कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कभी नहीं। ठीक है, देखें तजावजात होनी नहीं चाहिए, ये लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि हम नाजायज़ कब्जा करके अपना बिजनेस चलाएं या दूसरी चीज़ें वहाँ करें, तो ये खुद लोगों को भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें यह करना नहीं चाहिए।
और हम जब करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उसमें इनक्रोचमेंट के ऑपरेशन को देख रहे होते हैं, हम जब तजावजात करते हैं तो बाकी डिपार्टमेंट जो हैं हमारी पुलिस सर्विसेज है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और इनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट भी है जो सिंध गवर्नमेंट ने अभी नया बनाया है, उनको भी ऑन बोर्ड लेके हम उन पर जहाँ जहाँ पे समझते हैं कि इश्यूज आएंगे, हर्डल्स पैदा होंगी, जहाँ लोगों का प्रॉब्लम होगा, रश करेंगे, तो उस पर हम उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनकी सपोर्ट ले लेते हैं, हम अपनी जो है ना उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो हमारे साथ तावन करती है, पुलिस सर्विसेज है, एजेंसीज हैं, रेंजर्स हैं, ये भी हमारे साथ होती हैं, तो तजावजात के ख़िलाफ़ हमारा ये ऑपरेशन होता रहता है। लेकिन उसके बावजूद जो मूवेबल होती हैं या सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हैं, जिसको आज निकाल दिया फिर दूसरे दिन आ गए, जो रेड़े हैं ये हैं, गरीब जो डेली वेजेस वाले हैं उनको करते तो रहते हैं लेकिन वो भी बेचारे मजबूर हैं, उनका है वो यहाँ से चले जाएंगे किसी दूसरी जगह पे खड़े हो जाएंगे, इस तरह से हो रहा है। तो तजावजात के खिलाफ हमारा ऑपरेशन भी चल रहा है अल्लाह शुक्र है, और इस पर हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स भी जो है ना वो ऑन बोर्ड हैं कि वो उनके भी डायरेक्टिव हैं कि कोई तजावजात ना हो। ठीक है। अच्छा, मैं नाज़िम को एक बात बताना चाहती हूँ, बड़ी एक सरप्राइज है ये, मैं खुद हैरान हो गई। हमारी एक ड्यूटी टाइम होती है, हम चले जाते हैं घर में, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन इनकी ड्यूटी टाइम 24 आवर्स है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी एरिया में बिल्डिंग गिर जाए, अल्लाह ना करे, तो इनको पहुंचना है, एकदम अलर्ट होना है, क्या हुआ, नींद वींद सब, बच्चे फैमिली कहीं पर भी हो आपको पहुंचना है और उस जगह पर देखना है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मसला हो जाए, कहीं ऐसी वारदात हो गई, किसी के साथ कोई बच्ची अगवा हो गई, और ये सब मतलब देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग है लेकिन ये मेन रिस्पॉन्सिबल है एरिया इनके, उसमें आता है, खुदा ना खासा किसी नाले में या कोई ब्रिज अल्लाह ना करे गिर गया या नाले में कोई बच्ची वगैरह हो गई, तो इनकी ये बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, ये 24 आवर्स की इनकी ड्यूटी है। ख़ासतौर पर तजावजात की बात कर रही हूँ या कोई ऐसा सानिया होता है कराची में, अल्लाह ना करे बम धमाका कहीं शॉप पर होता है, कोई मार्केट में होता है, ऐसा होता है ना कि बाइक अभी रिसेंटली हुआ, तो ये सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं, ऐसा है कि नहीं सर? बिल्कुल, जैसे भी कोई इस किस्म की कोई इमरजेंसी हो जाए, हमारा काम है, हमें खुद भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो हमारा डोमेन में आता हो ना आता हो, लेकिन ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं चला गया, मुझे समझ में आया कि इसमें मुझे फलां डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, उनकी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो हम उनको कॉल कर लेते हैं, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन से ही सारा होता है। ये हर सिस्टम मेरे हाथ में नहीं है, DMC के हाथ में नहीं होता है सारा सिस्टम, जितना भी है, कहीं कोई बिल्डिंग गिरी तो उसमें SBCA भी आ जाती है, लेकिन आपका वो बस हमें नॉलेज लेना जरूरी होता है, नॉलेज लेना या उनको मशीन प्रोवाइड करना या उनको रेस्क्यू देना, KMC है, हमें सब मिलके काम कर लेते हैं और फौरी रिलीफ देने के लिए हम फौरन जो है ना वहाँ पहुँचते हैं अपनी मशीनरी के साथ, अपनी टीम के साथ, अफसरान के साथ, और माशाल्लाह उसमें कोई निगलिजेंसी ये नहीं कहता कि सिर्फ DMC, बाकी भी कोई नहीं करता, सब पहुंच जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा कराची में माशाल्लाह एक लाइब्रेरी बड़ी ज़बरदस्त बनी, फिर एक आपका जो सिंध सिक्योरिटी के सामने एक नेशनल पार्क था उसको बड़ा खूबसूरत और क्रिएट किया गया, तो मैं चाहूँगी कि मुझे थोड़ा पार्क के बारे में बताएं, लेकिन एक ब्रेक ले लें, इजाज़त है जी। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और अभी हम बात करेंगे बच्चों के पार्क के लिए बेहतरीन डेवलपमेंट क्या हो रही है, फ्यूचर प्लान क्या है, कितने महीने में ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बंजर बियाबान पार्क है और जिस तरह का कब्जा भी लोगों ने किया हुआ है। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। Thank you.
अगेन और मैं बात करूंगी क्योंकि हमारे यूथ, हमारे आने वाली नस्लें, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स रेलेवेंट टू क्वेश्चन भी नहीं से जो इस वक्त मौजूद हैं। और मैं अगेन आपसे मिलवा रही हूँ रहमतुल्लाह शेख साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम अगेन, और बात हो रही है कि बच्चों के लिए पार्क की, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे हर घर के मतलब एरिए में, घरों के करीब एक पार्क होना चाहिए, क्या कहते हैं? माशाल्लाह, देखें, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो उसमें अबाउट 56 के करीब जो है ना हमारे पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, और अल्लाह का शुक्र है हर यूसी में दो तीन पार्क हैं। और ज़रूर ये था कि वो पार्क मेंटेन नहीं थे और काबिल इस्तेमाल नहीं थे, या लोग वहाँ जाने से कतरा रहे थे कि वो जो है ना वेल डेवलप्ड नहीं थे, वेल मेंटेन नहीं थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त आपकी कैमरे की आंख भी देख रही है, न सिर्फ आपकी, सारे मीडिया की कैमरे की आंख भी देख रही है कि जितने पार्क्स हमारे DMC के प्लेग्राउंड्स हैं उसको हम वेल डेवलप कर रहे हैं इस तरह से कि वहाँ के जो बच्चे, ख्वातीन और बाकी जो लोग हैं, यंग बूढ़े, वो उस पार्क से, प्लेग्राउंड से मुस्तफीद हों। आपने देखा है कि हमारी ख़ास तौर पे मैंने महसूस किया है कि यंग जनरेशन जितनी भी है, या बच्चे हमारे, आजकल तो बच्चे भी जो है ना वो टेक्नोलॉजी में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ की तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता, वो अपने दोनों हाथों में लेके इतने मसरूफ रहते हैं कि वो ये चीज़ें अब जो है ना बहुत पीछे, यहाँ तक है जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट था पहले, किताबों को पढ़ना, ये वो सब ख़त्म हो गया। इवन मैं अपनी बात करूँ, चाहे कि जाके हमारा टाइम भी इसी तरह से गुजर जाता है, हम अपनी हेल्थ के हवाले से कोई टाइम नहीं निकाल सकते कि जाके कोई हेल्दी एक्टिविटी करें। तो अवेयरनेस देना लोगों को, अपने बच्चों के लिए, अपनी यंग जनरेशन के लिए, तो इस किस्म के जितने पार्क्स, प्लेग्राउंड, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे DMC में काफ़ी ऐसे ग्राउंड्स थे जो इनक्रोच्ड थे, कब्जे में थे लोगों के, वो मैंने छुड़वाए और अब वहीं पे काम चल रहा है। आपकी मीडिया भी देख रही है और रोज़ मेरी खबरें भी चलती हैं, आप देखते हैं, तो इंशाल्लाह अनकरीब 10-15 दिन के अंदर अंदर वो सारे तैयार हो जाएंगे, या मैक्सिमम महीना लगेगा, और हम उनको इफ्तिताह करके, मैंने एक VN बनाया है कि चूंकि ये मेंटेन नहीं होते बाद में, एक चीज़ मैंने बना तो ली लेकिन जब तक उसकी जो है ना मेंटेनेंस नहीं होगी वो काबिले इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, लुक आफ्टर बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक VN बनाया है कि एक कम्युनिटी बोर्ड जो पहले होता था सिटीज़न का, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका एक कमेटी बना के हमारी लोग उसमें शामिल करके उस पार्क को हम उनकी सरपरस्ती में देखें, ताकि वो उनको देखें, लुक आफ्टर करें और मेंटेन करें, और उसमें जो भी बाकी मेंटेनेंस में जो सोर्स की ज़रूरत होगी वो DMC प्रोवाइड करती रहेगी, करती रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे में जितने भी डेवलप पार्क हैं वो तैयार हो जाएंगे, और जो ग्राउंड्स हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने अभी एक UC 27 में एक फुटबॉल स्टेडियम कह लें, वो मैं बना रहा हूँ जाके, वो बहुत बड़ा काम है, उसमें फ्लड लाइट लगेंगी, वहाँ काम चल रहा है, बहुत स्पीड से काम चल रहा है। इसी तरह से एक पटेल हॉस्पिटल के पीछे एक ग्राउंड था जो किसी के कब्जे में था, जिसपे कोर्ट ने भी इशूज लिए थे, वो जाके मैंने कब्जा छुड़ाया, अब वहाँ पे भी एक बड़ा पार्क बन रहा है। टाइम स्क्वायर पे भी कब्जा था किसी का, वो मैंने पार्क छुड़ाया, वहाँ बनाया। इस तरह से 2-4 और पार्क थे जो कब्जे में थे, वो मैंने छुड़ा के कहा। अब बहरहाल जितने पार्क हैं उनको मेंटेन करके हम आवाम की सहूलत के लिए खोलेंगे, खुले हुए हैं लेकिन मज़ीद उनको वेल डेवलप करके, ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले लोगों को, वो अपने बच्चों को ला के खुश हों, उनको पता चले कि हम जिस पार्क में बैठे हैं ये ऐसा है कि ये बैठने के काबिल है, या हम यहाँ पे शाम के टाइम जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करें। सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अब रेलिवेंट टू आई डोंट नो कि वो आपके प्रमिसेस में है या नहीं, या आप उस डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि नहीं, या वो लोग उस तरह किरदार निभा रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो,
जब कचरे की बात होती है ऑफकोर्स लोग घर से तो फेंक देते हैं, अब वो उठाने वाला उठा के वो दोबारा नाले में डाल देता है जो भी आता है हमारे पास स्वीपर मैन है जो भी, इसका क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कि ये बेसिकली कचरा जाना कहाँ चाहिए या उठाने वाले कौन है, कब आएंगे, क्या सिस्टम है, इसका क्या सोल्यूशन निकाला? ये देखें, ये बेसिकली सब्जेक्ट जो है ना, पहले तो ये DMCG करती थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये सारा फंक्शन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था, लेकिन उसके बाद एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बन गया जो अब प्योरली वो काम कर रही है गार्बेज को लिफ्ट करने का। ठीक है, तो उसमें अब जो बात आप कर रही हैं कि लोग जो है ना नाले में डाल देते हैं या ये नहीं, वो लोग तो नहीं, वो जो लोग जो बंदा आता है ना उठाने के लिए वो पहले सारा जमा करता है मोहल्ले से, फिर वो जाके नाले में ही डाल देते, उसको इजीएस्ट वही लगता है। नहीं नहीं, ऐसा सच है नहीं, कोई होंगे जरूर, मैं ये नहीं कहता हूँ। देखो अब पूरा कराची है, वहाँ गार्बेज लिफ्टिंग के लिए हजारों लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अब हजार लोगों के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हज़ार लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि ये सारे जाके नाले में करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। गार्बेज लिफ्ट करने का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम बना हुआ है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। नहीं, मैं गवर्नमेंट से रिलेवेंट नहीं बात करी, एक नॉर्मल जैसे कुछ हायर करते हैं ना मोहल्ले वाले कि ये पर्सन पठान आएगा या कोई भी बंदा आएगा जो भी, नहीं, अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है ना। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, साउथ में, मलिर में, अब ये डोर टू डोर कलेक्शन का भी वो कंसेप्ट आ गया है, बल्कि उन लोगों ने एग्जीक्यूट भी करा दिया है कि वहाँ से डोर टू डोर कलेक्शन हो, फिर वहाँ से सॉलिड वेस्ट मैनेज का अमला जो है ना वो जाके कैरी करता है और उसको अपनी गाड़ियों में जाके लिफ्ट करता है और जाके करते हैं वहाँ पे गोविंद पास पे या अच्छा उस जगह पर जाके इसको गाड़ियों में वेस्ट किया जाता है। लेकिन इसका मैंने सुना बड़ा, अभी मैंने बड़ी, लेकिन फिर भी उसे अभी इसको रिसाइकल करके कुछ नहीं, वो है, वो सिंध गवर्नमेंट प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो वेस्ट एनर्जी का है प्रॉब्लम, तो उस पर वो काम कर रही है, और जब ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमें फिर अपनी जो एनर्जी की सेविंग होगी, जो लोगों को मुहैया होगी सप्लाई बिजली की, वो बड़े सस्ते रेट पे और वो भी होगी, तो वो प्रोजेक्ट उनके उसमें है, प्रोजेक्ट में पाइपलाइन में है, वो भी शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ही कर रही है, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला कोई डेवलपमेंट होती हुई। सर इतने मसरूफ़ क्योंकि प्राइड ऑफ पाकिस्तान बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग अपने प्रोफेशन के साथ एक अपना ज़िंदगी का हिस्सा दे रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो ये इसीलिए ये प्रोग्राम का नाम हमने डाला। इतने बिजी रहते हैं, कभी दिल किया है कि बेसिकली शौक किस चीज़ के, वो तो आपने बता दिया, लेकिन कभी ज़रा सा होता है कि यार, क्योंकि आपका तो ड्यूटी टाइम भी खुद आपको नहीं मालूम, क्योंकि कभी इनको 8 बजे भी कॉल करो तो देन बी बिजी, इनको खुद नहीं मालूम। अपने लाइफ में क्या वाइफ के साथ, बच्चों के साथ कभी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला आपको? बिल्कुल, वो तो होता है, फैमिली के साथ टाइम देना पड़ता है, देना क्या पड़ता है, करना भी चाहिए। माशाल्लाह मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, यहाँ तक कि मैं अब दादा और नाना भी हूँ, ठीक है, तो उनके साथ इतनी मसरूफ ज़िंदगी में फिर लम्हे उनके साथ भी गुजारने का दिल चाहता है। वीकेंड में कोशिश करता हूँ कि उनको टाइम दूँ थोड़ा सा, वो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वैसे तो जनरली जब बच्चों को कभी चाहा कि मैं अपने साथ ज्वाइन करूँ या वो भी इतना वेलफेयर या ऐसे सोशल वर्किंग? माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे बच्चे भी मेरी तबीयत के मुताबिक ही चल रहे हैं, वो भी माशाल्लाह मेरे मेरे दो बेटे इस वक्त वो अपनी एजुकेशन भी तकरीबन उन लोगों ने पूरी कर ली है, तो वो यानी अट्रैक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, आपके बच्चे जो हैं कहते हैं हमारे फादर हैं, हाँ क्या बात है, खुश होते हैं। माशाल्लाह बेटियाँ हैं, वो भी मेरिड हैं, तो लाइफ उनके साथ है, अल्लाह ने एक फितरत में रखी हैं ये चीज़ें, और उसके बगैर कोई राहत नहीं, सुकून नहीं है। अपने वालदा है मेरी माशाल्लाह, अल्लाह उसको सेहत दे कामिल ईमान के साथ, वो भी हैं, उनकी मोहब्बत उनकी दुआएं मेरे साथ रहती हैं, जिसकी बदौलत आज ये आपकी वालदा है, आपकी लकी है, जो मेरे घर वालों की दुआएं, दोस्तों की, मेहरबानों की, लेकिन उसके साथ सबसे बढ़कर मेरी वालदा की, मेरी जो साया मेरे सर पे है, मुझे तकलीफ में भी तकलीफ महसूस नहीं होती। अभी तक आप शेल्टर में ही कहूँगी मैं, अभी भी आप शेल्टर में, दोस्तों की बात की, दोस्तों में अभी कब, मतलब दोस्ती अभी तक रखी है क्या? बिल्कुल दोस्त होते हैं,
मतलब मेरी 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 तबीयत में रिलेशन बनाने की जो अहमियत है वो कोई खास नहीं है उसकी। नहीं, दोस्ती अभी तो अलग है, लेकिन जैसे बचपन के कुछ दोस्त, बचपन के दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं वो, जो हम इकट्ठे पढ़े हैं बचपन से, आज भी हम मिलते रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मसरूफियत बहुत है तो इस वजह से कंप्लेंस है उनकी। अच्छा। कोशिश करता हूँ दूर की जाए, लेकिन कभी कभार कोई ऐसी गैदरिंग रख लेते हैं जिसमें हम मिल लें, आपस में पुरानी यादें एक दूसरे के साथ शेयर करें, दोस्त हैं। चले, फैमिली को तो टाइम देते हैं, लेकिन कभी सॉन्ग्स पसंद हुए, कभी फिल्म्स वगैरह देखी, मूवीज वगैरह, कभी कभार जाता हूँ फैमिली के साथ। अच्छा। मूवी पे चला जाता हूँ। अब कुछ अब ये मत कहिएगा फिल्म स्टार नदीम पसंद है। कभी ऐसा मतलब जवानी में क्या होता था कि मूवीज वगैरह देखते थे तो कौन सी ज्यादा लाइक करते थे, ये फिल्म देखने जाए हम लोग, बस रोमांटिक टाइप की फिल्म। अब तो बहुत फिल्म की वजह से मेरी पिटाई हुई थी, मुझे नाना ने मारा था, एक फिल्म पे चला गया था, उसके बाद मेरी जिंदगी में तब्दीली आई। देखो वो पिटाई काम आई, काम आए, जिस पे मैंने जो है तालीम को फिर पकड़ लिया, साथ ले लिया और फिर मैं पढ़ाई कर ली। बेहतरीन बेहतरीन, और बड़ा अच्छा लगा आपसे इतनी खूबसूरत स्मूथ लेवल पे आपने। असल में प्रोग्राम का मकसद है कि लोग अवेयर हों, और जो लोग इतनी डेडिकेशन के साथ, डिग्निटी के साथ अपने प्रोफेशन को टाइम दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता इसके बिहाइंड एक तस्वीर है जो बहुत तकलीफ दे है, लेकिन वो उनको अपने चेहरे पे प्रेजेंट नहीं करता। वो अपनी फैमिली को भी जो वो टाइम देना है जो दूसरे लोग देते हैं रेगुलर, वो नहीं दे पाते, ये कहने की बात है, लेकिन अपने प्रोफेशन के साथ जो है एक बड़े सारे लोग हैं, इट्स मीन कि क्राउड है, सबको इन्होंने जो है एंटरटेन करना है, सेव करना है, और इस तरह के प्रोफेशन के लोग मेरा रब मुंतखब करता है, मैं और आप नहीं मुंतखब कर सकते। तो आज मेरे दरमियान रहमतुल्लाह शेख साहब थे, और मैं जाते जाते उनसे मैसेज लूँगी। सर प्लीज़ जाते जाते अपने खूबसूरत आवाम को क्या कहना चाहेंगे? बस मेरे ख्याल में मैं अपने डिपार्टमेंट के ही मुतल्लिक कहूँ। जी जी, जिस तरह से आपने बात की कि लोगों की अवेयरनेस के लिए, तो लोगों की अवेयरनेस के हवाले से जो ख़ास तौर पे जो सफाई सुथराई के हवाले से बात की कि एक जो सिविक सेंस होता है वो हमें करना चाहिए, अपने उनके लिए एक वो देनी चाहिए, उनके अवेयरनेस के प्रोग्राम देने चाहिए, और लोगों को भी उसमें शामिल होना चाहिए कि हम अपनी मुल्क की तरक्की के लिए जिस तरह से कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने इदारों के साथ, वो तावन करें। मजबूरियां बहुत सारी आती हैं, कुछ काम हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, सोर्सेस हमारे इतने लामहदूद नहीं होते हैं कि हर चीज़ हर वक्त क्विकली हो जाए, तो उसको समझें और अपने मुल्क कौम अपने एरिया में जो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं उनको ऑन करें, उससे फ़ायदा लें, और मेरी जो खदमतें हैं वो मैं हाज़िर हूँ उसके लिए। बेहतरीन जी नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन एक बात कहूँगी और इस बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी और अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगी, और वो ये है, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।